आज हम देखेंगे बेसिक टर्म्स लाइक करंट वोल्टेज। ठीक है, करंट और वोल्टेज होता क्या है। जैसे कि हम सबको पता है कि कोई भी चीज है, प्लास्टिक है, मेटल है, सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, वो मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल बने होते हैं एटम्स। ठीक है, तो सबसे जो छोटी चीज है वो है एटम। ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बनेगा, फिर चाहे मेटल हो, सेमीकंडक्टर हो, कुछ भी हो। ठीक है, वो है। तो अब एटम की जो कंस्ट्रक्शन है वो ये है, बीच में रहता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे घूमेगा, चारों तरफ से घूमते रहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है और जो आपके इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिवली चार्ज है। तो अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, खिंचाव पैदा होगा, जिस उस खिंचाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स दूर नहीं भागते हैं। ठीक है ना, तो ये और अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, तो बाहर जो घूम रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, और अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है एटम्स का। तो जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स के ऊपर घूमते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जी, ठीक है, कौन से ऑर्बिट पे घूमेंगे। ठीक है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको हम कूलम्स में नापते हैं, जो SI यूनिट है इलेक्ट्रॉन्स की वो है कूलम्स। तो एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के जो नापते हैं कूलम्स में नापते हैं, कूलम मतलब चार्ज जो है कूलम्स में होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या बनाता है प्रोड्यूस, मान लो एक साइड पे, एक पे पॉजिटिवली चार्ज है, एक में नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इधर लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, अगर एक साइड पॉजिटिवली चार्ज है पार्टिकल्स और एक साइड नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में जो फील्ड होगी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका एक एग्जांपल है कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते। तो अगर कोई चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो कॉइल के थ्रू, मतलब कोई एक क्लोज पाथ के थ्रू घूमता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब किसी एक क्लोज पाथ, मतलब किसी कंडक्टर के थ्रू मूव करता है, तो वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। वो कहां पे यूज होती है, वो आपकी मोटर्स में यूज होती है। कहां पे, मोटर्स में, जनरेटर्स में। ठीक है, तो मूविंग चार्ज क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और स्टैग्नेंट चार्ज जो है वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जैसे ही कैपेसिटर में होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो इलेक्ट्रॉन से हमें कैसे काम लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के या फिर मैग्नेटिक फील्ड बना के। ठीक है, तो इसको करंट को नापने की क्या यूनिट, करंट को किसके थ्रू नापेंगे, करंट नापते हैं, अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज घूमता है एक सर्किट में, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूविंग चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कोई बोले क्या होता है, इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, या फिर इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो चार्ज को बोलेंगे करंट। तो करंट की जो नाप है, किसी ना किसी चीज को मेजरमेंट तो करनी पड़ती है ना, करंट को मेजर करना है, वोल्टेज को मेजर करना है, किससे करेंगे, तो करंट को मेजर करते हैं। पहले तो करंट की डेफिनेशन बताता हूँ, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयोन्स या फिर चार्ज। चार्ज कोई भी चीज होगा, पॉजिटिवली नेगेटिवली पार्टिकल्स जो है उनको चार्ज बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को भी चार्ज बोलेंगे। ठीक है, तो इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ, कितनी तेजी से करंट जा रहा है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, तो उसको बोलेंगे करंट, फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो। तो ये 1 एम्पियर, अगर इसको करंट को नापते हैं हम एम्पियर्स में, तो 1 एम्पियर किसके बराबर, 1 कूलम/1 सेकेंड। मतलब अगर 1 कूलम करंट जाता है 1 सेकेंड में किसी सब्सटेंस में से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। ठीक है ना, तो व्हेन 1 कूलम करंट पासिस इन ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, तो करंट की जो यूनिट है नापने की वो क्या है, एम्पियर्स। ठीक है, अब करंट आपको पता चल गया, इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स या फिर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो अब आएगा वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज और करंट में क्या, करंट क्या है, जस्ट है मतलब फ्लो ऑफ चार्ज फॉर 1 सेकेंड एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। अब वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है इलेक्ट्रिक प्रेशर या फिर फोर्स या फिर EMF फ्रॉम ए इलेक्ट्रिक पावर सोर्स। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, बेसिकली प्रेशर है, मतलब बैटरी के अंदर कितनी ताकत है करंट को पुश करने की आगे, उसको बोलेंगे हम वोल्टेज। ठीक है, तो किसकी, बैटरी, बैटरी की हो गया, जनरेटर हो गया या कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो उसकी जो ताकत है
करंट को आगे करंट कंडक्टर में से पुश करने की, उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में क्या आएगा, इट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर या फिर फोर्स या फिर ईएमएफ, ईएमएफ हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक पावर सोर्स। इलेक्ट्रिक पावर सोर्स क्या होगा, बैटरी, दैट पुशेस चार्ज करंट थ्रू अ वायर। मतलब बैटरी में जितनी ताकत है करंट को पुश करने की थ्रू अ वायर, इज कॉल्ड एज वोल्टेज, ठीक है। टू डू, अब क्यों पुश करेगा वो, क्योंकि उसको कोई काम लेना है, काम लेना है, जैसे किसी बल्ब में लाइट प्रोड्यूस करेगा या फिर हीट प्रोड्यूस करेगा हीटर में, ठीक है ना। टू डू सम वर्क लाइक प्रोड्यूसिंग लाइट हीट या फिर रोटेटिंग पार्टिकल, ठीक है, रोटेटिंग कोई भी, जैसे मोटर में रोटेट करते हैं, तो वो किसे, वोल्टेज के थ्रू होगा। वोल्टेज एक फोर्स है जो उसको मूव कर रही है, ठीक है। तो वोल्ट क्या है, अब वोल्टेज को नापना है किससे, वोल्ट मीटर से नापते हैं। करंट को किससे नापते हैं, करंट को एम्पियर मीटर से, ठीक है। वोल्टेज नापेगा आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज की अलग अलग डेफिनेशन है अभी। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, वोल्टेज इट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये वाली वोल्टेज अलग हो गया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वोल्टेज है, ये आपका वहां पे है जहां पे आपके कांस्टेंट है, तो मतलब जैसे कैपेसिटर में, कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा वो दो पॉइंट्स के बीच में, इधर और इधर पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे वोल्टेज, ठीक है, जहां पे चार्ज कांस्टेंट है, जैसे कि कैपेसिटर, ठीक है। अगर तो कॉइल के अंदर कैसे नापना है, मतलब जो क्लोज सर्किट है उसमें कैसे नापेंगे, उसमें जाएंगे हम बैटरी का देखेंगे, वोल्ट मीटर से नापेंगे उसमें कितनी एनर्जी दे रहा है ताकि वो पुश कर सके इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटम्स क्या हैं, और वोल्टेज और करंट क्या है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है इसकी, करंट नापेंगे एम्पियर मीटर से, वोल्टेज नापेंगे वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो करंट फिर से बता देता हूँ, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम फ्लो करता है एक सेकंड के लिए किसी भी सब्सटेंस में, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया में, उसको बोलेंगे करंट, ठीक है। वोल्टेज क्या है, फोर्स ऑफ अ बैटरी टू पुश इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है बैटरी की, वो सब्सटेंस टू डू सम काइंड ऑफ वर्क लाइक प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक, प्रोड्यूसिंग लाइट हीट और रोटेटिंग, रोटेटिंग शाफ्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वोल्टेज की दो डेफिनेशन है, कॉइल में से अगर वोल्टेज नापना है तो बैटरी की वोल्टेज देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नापनी है तो दो डिफरेंसेस देखेंगे, दो पॉइंट्स की डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों में, ठीक है। V1 माइनस V2 कहाँ पे, जहाँ पे तुम्हारी जो वोल्टेज है कॉन्स्टेंट, ठीक है। आज ये था ताकि आपको बेसिक डेफिनेशन का पता चल जाए, ठीक है। दूसरा क्या है कि लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज होंगे तो वो आपस में भागेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक होगा पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव है तब भी रिपेल करेगा, ठीक है। लाइक चार्ज होगी तो रिपेल करेंगे। बस इतना ही था आज का।